प्रैक्टिस में लाया जाती है प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूनिट ऑफ प्रोपेगेशन आर रनर। दीज आर द डिफरेंट नेम फॉर स्टेम। सम आर स्टेम मॉडिफिकेशन, सम आर रूट मॉडिफिकेशन। स्टेम रहिजोम, सकर, ट्यूबर, जैसे कि पोटैटो के स्टेम को बोलते हैं ट्यूबर बोलते हैं। रहिजोम्स दे आर प्रेजेंट इन जिंजर होगा, कुरकुमा लौंगा होगा, टर्मेरिक में होगा। रनर, जैसे कि रनर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन ऑक्सेलिस प्लांट है। ये अलग अलग मॉडिफिकेशन है जो कि आपने प्लस वन में भी पढ़ी है। और ऑफसेट है, उसके बाद बल्ब्स हैं ऑनियन और गार्लिक में, जैसे कि आपने देखा कि उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही होती है। इसमें प्लांट का कोई भी पोर्शन, स्टेम हो, रूट हो, इवन लीव्स, दे आल्सो टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। एंड दीज पार्ट्स विच टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज नोन एज द प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल कुछ भी हो सकता है, रनर भी हो सकते हैं, रहिजोम भी हो सकते हैं, सकर भी हो सकते हैं, ट्यूबर भी हो सकते हैं, ऑफसेट्स भी हो सकते हैं और बल्ब्स भी हो सकते हैं। These are all capable of giving rise to new offspring. नए offspring बनाने के ये बिल्कुल capable है। Here you see a diagram of the ginger. Ginger में you see that all these lines, they are known as the nodes. Nodes and internodes, they are the typical identification of the स्टेम। तो हम कह सकते हैं क्या है, स्टेम है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, रहिजोम बोलते हैं इसको। फ्रॉम दीज नोड अराइजेज द एडमिनिस्ट्रेशियस रूट होते हैं, और इन्हीं रहिजोम से फिर बर्ड, फ्रॉम बर्ड अनदर प्लांट गेट अराइज्ड एंड न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। एंड हियर यू सी इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम्स व्हेन द leaf is still attached on the plants, new bud arises on the leaves and adventitious bud arises on the leaf and now it will develop into a new plant. It is in case of bryophyllums. And here you see it is vegetative propagation through the offsets. These are the leaves and at the base, at the point of the nodes, there arises the adventitious buds, adventitious roots, and this elongated portions which rises from the node is known as the offsets, and it take place in plant Icornia or butter hyacinth, which is also known as terror of Bengal. Terror of Bengal इसलिए बोलते हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत ही प्रोफ्यूज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। एंड इट मेक्स जिस भी वाटर बॉडी में ये ग्रो करता है, इट मेक्स दैट वाटर बॉडी डेफिशिएंट ऑफ द ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, प्रोफ्यूज ग्रोथ होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपन्स, इट इज़ हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स। There is a number of another vegetative propagations with example. First runner, it take runners में runner के through vegetative propagation होती है। grasses में another plant is oxalis, rhizome, ginger, banana and curcuma longa, turmeric में sucker, it take place in क्राइसेंथीमम ट्यूबर आई इन पोटैटो, ऑफसेट इन बटर हायसिंथ, इकोर्निया और पिस्टियाज अदर हाइड्रोफाइट्स। बल्ब्स थ्रू बल्ब्स इट टेक प्लेस इन ऑनियन एंड गार्लिक। एपीफाइलस बर्ड का मतलब होता है लीफ। एपी मीन्स अबव द और फाइलस मीन्स लीफ। लीफ के ऊपर ही एडवेंटिशियस बर्ड
ग्रो करते हैं वहीं से ही न्यू प्लांट बनता है। इट इज टेक प्लेस इन ब्रायोफाइलम, जैसे कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम में बताया। और उसके बाद स्टेम कटिंग, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर। और हम देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि शुगर कैन गन्ने में भी और रोज ट्यूब भी हम गार्डन में स्टेम कटिंग से ही ग्रो करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन एज ए रिजल्ट ऑफ विच बट हैपन्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स। और सेकेंड क्या एडवांटेजेस है कि ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, दे आर जीनोटाइप से भी फिनोटाइप से भी आइडेंटिकल होते हैं किसके, पेरेंट्स के होते हैं, बिकॉज दे ऑफस्प्रिंग आर नोन एज द क्लोन। तो इसका मतलब ये होगा कि दे हेल्प इन मेंटेनिंग देयर जीनोटाइप। ऑल्दो वेरिएशन इज आल्सो ए अनदर एक कमी है कि इसमें वेरिएशन नहीं आती है, विच विल फर्दर लीड्स टू जीनोटाइप। जीनोटाइप इसका रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स दे आर मोर एफिशिएंट इन सर्वाइवल्स। नेक्स्ट इज इट अकर्स थ्रू सिंपल माइटोटिक प्रोसेस। सिंपल मियोसिस, सिंपल माइटोसिस प्रोसेस होती है, इक्वेशनल डिवीजन है, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो देर इज़ नो नीड ऑफ द मियोसिस, तो माइटोसिस प्रोसेस से ही ये होती है। इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ यंग बन्स। यंग वन के डिस्पर्सल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। डिस्पर्सल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनिज्म को ले जाने को बोलते हैं डिस्पर्सल। नेक्स्ट इट आल्सो हेल्प एनिमल टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। आपने देखा कि कई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में कि एक सिस्ट वॉल बनती है विच विल प्रिवेंट द एनिमल अगेंस्ट द डेसिकेशन ड्राई नेस्ट एंड एक्सेट्रा। तो अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट को भी क्या करता है, टाइड ओवर करता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस भी है और कई डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहले तो क्या है डिसएडवांटेजेस, कंटिन्यूस ब्रीडिंग थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेक द इंडिविजुअल जेनेटिकली वीक। कंटिन्यूसली कई जनरेशन तक अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती रही तो जेनेटिकली इंडिविजुअल वीक हो जाता है, क्योंकि वेरिएशन एक्यूमुलेट ही नहीं हो पाती है एंड दे रिक्वायर रिजुविनेशंस। सेकेंड इज एनिमल प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर लेस अडेप्टेड टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो भी एनिमल्स हैं दे आर लेस कैपेबल पोटेंट टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। नए एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। देयर इज अ जेनेटिक वेरिएशन इन, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक वेरिएशन होती नहीं है क्योंकि वो तो क्लोन है, जैसे पेरेंट्स होगा वैसे ही ऑफस्प्रिंग भी होंगे, नई जनरेशन भी वैसी ही होगी, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। और दो पेरेंट्स का गैमेट्स का जर्म प्लाज्म का फ्यूजन ही नहीं हो रहा है तो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू स्पीशिएशन। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके डिफरेंट फेज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।